एक फिल्म के लिए 45 करोड़ आपने लिए हैं फॉर 20 डेज वर्क. फिल्म का नाम शौकीन का रीमेक कर रहा है जो राइट न्यूज. वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने. और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. 20 दिन के काम के लिए 45 करोड़ रुपीस. ये अमाउंट खिलाड़ी अक्षय कुमार को किसी फिल्म के लिए कम लगता है. जी हाँ, बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबर थी कि अक्षय कुमार फिल्म शौकीन की रीमेक में 20 दिन के काम के लिए 45 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं. और जब हमने ये सवाल अक्षय से पूछा तो उन्होंने इतनी बड़ी रकम को बहुत कम बता दिया. वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने. और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. Well, लगता है अक्षय इस अमाउंट से कहीं ज्यादा किसी फिल्म के लिए चार्ज करते हैं. वैसे आजकल बॉलीवुड में हर कोई क्रिकेट को लेकर बात कर रहा है. और जब मीडिया ने अक्षय से जानने की कोशिश की कि क्या वो भी 2020 क्रिकेट लीग में कोई टीम खरीदना चाहेंगे, क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग. अगर आपको कोई टीम खरीदने का मौका मिले तो क्या खरीदेंगे आप? Well, अक्षय ने तो क्रिकेट टीम खरीदने से साफ इनकार कर दिया. मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ अक्षय एक बैटरी ब्रांड को प्रमोट करने पहुँचे थे. और जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप बॉलीवुड में अपने किस फ्रेंड को ये प्रोडक्ट गिफ्ट देना चाहेंगे तो देखिए अक्षय ने क्या जवाब दिया. इतनी दोस्ती नहीं थी कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं. अपने आप जिन को अपने अपने परिवार के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टच में रहना वो खुद ही खरीद लेंगे. Well, लगता है अक्षय गिफ्ट देने में विश्वास नहीं रखते. तभी तो अपने फ्रेंड्स को ये साफ कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो खुद ही खरीद लो. अब यहाँ ब्रांड की बात हो रही है तो यहाँ मीडिया ने अक्षय से पूछा क्या उन्होंने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपनी रेम्यूनरेशन बढ़ा दी है. अब जब चीज कोई बिक रही हो अच्छी तरह बिक रही हो तो रेट्स बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता किसी की शेरवानी में परेशानी हो. वह लक्ष्य सही कहा आपने. जब चीज बिकती है तो उसका दाम बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. वी होप आपकी प्राइस इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती रहे. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई.